नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे सुपारी खाने से होने वाले स्वास्थ्य लाभ के बारे में, जिससे आप अभी तक अनजान हैं। पान में सुपारी का स्वाद सभी को लुभाता है। भारतीय लोग सालों से सुपारी का उपयोग एक मसाले के रूप में और माउथ फ्रेशनर के रूप में करते रहे हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक अवसरों पर इसकी एक खास जगह रही है। सुपारी को पूजन सामग्री के रूप में भी उपयोग लाया जाता है। सुपारी आयुर्वेद में कई पेट के रोगों जैसे गैस, सूजन, कब्ज, पेट के कीड़े आदि में बहुत उपयोगी है। सुपारी में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के साथ ही मिनरल्स भी मौजूद होते हैं। साथ ही टैनिन, गैलिक एसिड और लिगानिन भी पाए जाते हैं। सुपारी की इसी उपयोगिता के ध्यान में रखते हुए चलिए आज जानते हैं सुपारी का उपयोग बीमारियों के उपचार में किस तरह किया जा सकता है। सुपारी में एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। इसके कारण इसका इस्तेमाल दांतों की सड़न को रोकने के लिए मंजन के रूप में भी किया जाता है। दांतों में कीड़ा लगने पर सुपारी को जलाकर उसका पाउडर बना लें। इससे रोजाना मंजन करें, आपको फायदा होगा। डायबिटीज के कारण कई लोगों को बार बार मुंह सूखने की समस्या होती है। अगर आपके साथ भी यह समस्या है तो जब भी आपका मुंह सूखे एक सुपारी का टुकड़ा मुंह में रख लें। ऐसे लोगों को इस स्थिति से बचने के लिए सुपारी बहुत मदद करती है, क्योंकि इसे चबाने से बड़ी मात्रा में सलाइवा निकलती है। सुपारी स्किन प्रॉब्लम को भी दूर करने में मददगार है। दाद, खाज, खुजली और चकत्ते होने पर सुपारी को पानी के साथ घिसकर लेप करने से फायदा होता है। बहुत ज़्यादा खुजली होने पर सुपारी के राख को तिल के तेल में मिलाकर लगाने से लाभ होगा। अगर आपने दांत को चमकाना चाहती हैं तो 3 सुपारी भून लें। फिर भुनी हुई सुपारियों को पीसकर पाउडर बना लें। इस पाउडर में नींबू के रस की करीब 5 बूंद डाल लीजिए और करीब 1 ग्राम काला नमक भी मिला लें। रोज दिन में 2 बार इस मिश्रण को अपने दांतों से करें। 1 सप्ताह में ही दांत चमकने लगेंगे। सुपारी का काढ़ा घाव पर लगाएं। इसके बारीक चूर्ण को लगाने से भी खून बहना बंद हो जाता है और कुछ ही देर में घाव भरने लगते हैं। सुपारी में मौजूद एंटी बैक्टीरियल तत्व के कारण इसका इस्तेमाल कैविटी को रोकने के लिए मंजन के रूप में किया जाता है। कई प्रकार के आयुर्वेदिक मंजनों में तो इसका एक घटक के रूप में शामिल किया गया है। दांतों में कीड़ा लगने पर सुपारी को जलाकर उसका मंजन बना लें। इससे रोजाना मंजन करें तो आपको फायदा मिलेगा। सुपारी खाने से तंत्रिका तंत्र उत्तेजित होता है। इसके अलावा सुपारी पर हुए एक रिसर्च में यह बात सामने आई है कि इसे चबाने से तनाव महसूस नहीं होता। सुपारी में एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो विषैले पदार्थों और फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालने में मदद करते हैं। इससे हमारा शरीर रोगों से बचा रहता है। सुपारी खाने से हाई ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है। एक रिसर्च में यह बात सामने आई कि सुपारी में मौजूद टैनिन नामक तत्व एंजियोटेनसिन हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में उपयोगी है। दोस्तों, लेकिन एक बात का ध्यान रखनी है कि हर चीज़ एक लिमिट में ही आपने लेनी है। इसका अधिक उपयोग करने पर रक्त भार को कम करता है और चक्कर आने लगते हैं। सुपारी के टुकड़ों के रूप में नियमित रूप से मुंह में डालकर रखना हानिकारक है। इससे मुंह का कैंसर होने का खतरा रहता है। अनावश्यक सुपारी का सेवन वात रोगों को बढ़ावा देता है, इसलिए इसको लिमिट मात्रा में सेवन करें। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। आगे भी हम आपके लिए ऐसी स्वास्थ्यवर्धक जानकारी लेकर आते रहेंगे। अब अपने दोस्त को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।